This journey started primarily 8 years back. Himadri was working, was preparing for an MBA, and then वो अचानक से मुझे बोलती है कि दिल्ली में टेम्परेचर इतना कम है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब अगर दिल्ली में 0 डिग्री है तो बाहर तो कुछ अच्छा ही होगा, तो हम कुछ करते हैं कि मतलब हम यहाँ पे घर में बैठ के तुम्हारे बड़ी बहन होने का फायदा क्या है, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो. तो वी जस्ट एक्सचेंज ग्लांसेस एंड देन वी सेड कि चलो बैग पैक किया. मुश्किल से 10 मिनट्स लगे हमें बैग पैक करने में और हम तुरंत ISBT चले गए यहाँ से. ISBT में ऑन द वे हमें यही था कि ISBT पे जो भी पहली बस जहाँ की भी मिलेगी हिमाचल की, ऑल वी नो कि हमें बस हिमाचल की साइड पे ही जाना है क्योंकि टेम्परेचर का जो एक्चुअल फील होगा वो हमें वहीं मिलेगा. और जो भी हमें फिर हमें सब बैग पैक वगैरह करके वहाँ पहुँच कर पहली बस शिमला की शायद जा रही थी, तो हमने उस बस में हम चले गए और वहाँ वो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी लकी रहा एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ इट वॉज. I think traveling has improved our relationship with respect to hardly we used to be the working lifestyle, hardly we had time for each other. So we got to have a better communication while we travel. We spend more time with together, and then it has also helped us to understand each other in a much better way. It helps us to reach to a conflict resolution in a much better way. These days what happens is just that our glances only itself says that what are we up to next. So this is a very good thing that I think with respect to our relationship. Yeah, in addition to that, I think we understand as an individual better. We give both individual priorities and life priorities. We know what we want from each other and from life as a whole. So travel has made us more compatible, I would say. And more open. More open together. It was very memorable for us. Like right now, I would like to quote our camping at in Indian National Park. What happened there was it is a beautiful campsite inside, and after around 10 kilometers of trek. Fortunately or unfortunately, as explorers, we went in a very off-season time. जब ना वहाँ पे सब लोगों को मना कर देते कि आप मत जाओ, बिकॉज इट वॉज अ मॉनसून एंड इट इज अ हाई प्रॉबेबिलिटी दैट ब्रिजेस वुड नॉट बी देयर एंड इधर ब्रिजेस वुड बी ब्रोकन, यू वुड बी कम्प्लीटली लेफ्ट इट, देयर इज अ हाई चांस कि आप वहीं की वहीं रह जाओ. सो बट एज यूजुअल वी वेंट एंड देन इन साइड वी सेट अप अवर कैंप एट रोला पास, राइट? एंड देन It was just both of us inside the camp, and it rained like crazy, and our camp was near the river side, right? And वहाँ पे रात पर इतनी तेज़ बारिश हुई and we were like, and it was pitch dark, and we really do not want to see कि बाहर क्या है कैंप के. All I just did was I held her hand and I said that God, अगर आज बच गए तो बच गए, बाकी कल सुबह सोच के उठेंगे. एंड वी जस्ट जिप द कैंप फ्रॉम इनसाइड एंड आफ्टर होल्डिंग हैंड मैं सो गई. और जब मॉर्निंग में हमने देखा कि जब हल्की सी आवाज़ें आई चिड़िया की, एंड लाइक मैंने थोड़ा सा उसे खोला, मैंने कहा ओके हिमाद्री हम सर्वाइव कर गए. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज एक सेल्फी लीजिए, हमने कहा चलो वी सर्वाइव. So that I think that was indeed a very memorable trip for me, because for me it was more of like both of us as sister we survived, and moreover वहाँ पे कोई connectivity नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो मुझको बार बार यही था कि अगर एक person कुछ हो गया तो how our family members will get to know कि कहाँ पर रह रहे हैं हम, right? Mainly for me, memorable trip was I think the Hampi. It was an unplanned trip. Absolutely. All we know was कि कब जा रहे हैं और कब से नहीं वापसी flight है. Flight ticket है. एंड वी डोंट नो कि हमें नेक्स्ट डे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. तो वी वेंट टू हम्पी फर्स्ट डे, दो दिन बाद वी वेंट टू मुर्देश्वर नेत्रानी आइलैंड, बट हम लोगों के पास कोई टिकट नहीं था. वी वर लुकिंग टू अ वाईफाई कैफेज वेयर वी कैन बुक आवर नेक्स्ट डे टिकट्स, बिकॉज अवर डेटा प्लान्स वर नॉट वर्किंग बिकॉज देयर वाज अ काइंड ऑफ रिमोट प्लेस, तो हमारे डेटा प्लान्स भी नहीं चल रहे थे. तो वहाँ पे एवरी नाइट इनफैक्ट कितने बार ऐसा हुआ कि हर जगह जाके हमको ये देखना पता था कि आज कहाँ की टिकट्स कहाँ पे नेक्स्ट कराना है, टिकट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है. So that was like a totally unplanned trip, and that helped us to know ki you know kahan pe aage kya kar sakte hain, to explore more about the near about places. And yes, it also helped us to be more decisive and reach to a conclusion. So conflict management is yes. Quality
आई नो फीमेल सिक्योरिटी आजकल काफ़ी थोड़ा सा लगता है, पेरेंट्स को भी बहुत लगता था जब शुरू शुरू में हमने ट्रैवल करना शुरू किया है, पेरेंट्स को बहुत कंसर्न रहता था हम कहाँ हैं क्या नहीं है, और स्पेशली जिस टाइम पे हमने ट्रैवल करना शुरू किया तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बट दीज डेज इट इज़ बिकम लिटिल ईजी एज सच, हमको नहीं लगता कि सिक्योरिटी हमारे लिए कोई कंसर्न रहा है एंड टच वुड मतलब वी हैव बीन रियली लकी टू फाइंड गुड पीपल अराउंड, हमने काफ़ी सारे होम स्टेज भी करे हैं और मतलब हमारा rather than going for luxury travel हम लोग usually होम स्टेज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोकल लोगों के साथ रहना हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड आप किसी भी चाहे वो लेह की लेह लद्दाख का होम स्टे हो या आपका डाउन किसी भी हिमाचल का होम स्टे हो या कहीं या किसी उत्तराखंड में कहीं भी हो, हमें कभी भी कोई ऐसी इशू नहीं आए जहाँ पर हमको लगे कि हम क्यों फंस गए या कहाँ पर हम आ गए। One incident which I can never forget. So recently in one of my trips to Dandeli, right? So it was a solo trip by Karnataka tourism people, and I went there. And in one of the it was a kind of I was speaking interviewing the naturalist that how things happen and what is this farm about and everything. So they served me food and there was a very special chutney and they said this. ये चटनी ना यहाँ की स्पेशलिटी है, सो आई वॉज वेरी क्यूरियस दैट इट वॉज लुकिंग वेरी टेम्पटिंग राइट एंड आई हैड अ लाइक अ टिप ऑफ इट एंड आई सेड वाओ एंड इट वॉज ट्रस्ट मी इट वॉज अमेजिंगली टेस्टी ओके बट देन आई आस्क्ड देम कि ये आई मीन एग्जैक्टली ये है क्या राइट अपने इसे बनाई कैसे है क्या है राइट तो एंड आई वॉज सरप्राइज टू हियर बींग अ वेजिटेरियन इट वॉज मेड आउट ऑफ रेड एंट्स एंड द मोमेंट ही सेड टू मी आई वॉज लाइक रेड एंट्स And few days ago, and it was coming on Discovery Channel, and I was watching it together, and ये बोलती यार तू पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती हो, how can you do such things? Absolutely. And को पीस के यू making a चटनी, like let's watch it. That's the beauty of you know travel, and we go there, the different culture, and the food comes in. Food is a big part of that. So as a traveler also, you know, you travel to Himachal, you travel to Leh, you get to know different food, cuisines that they make. The same way you make paneer in Delhi is different from Himachal and what you have it in Leh or Ladakh. Another thing that we had it in Leh is like a butter tea, butter chai. It's very different. It's the first sip you made us a face, but yeah, it grows or the taste grows on to you later on. So I think the most common question that is asked by us is like how do you guys manage everything, budgets, being chuttis and everything. So the one major hack is I think that you need to look at the calendar and find out where the major weekends are. Absolutely. Where you can get holidays, where your work pressure is low and everything, and then you can find those places and then find places according to those seasons and book, plan in advance those tickets. So book the tickets in advance, open your things in cognitive window and just book it and sort it out. Yes, and I think another thing I would say as a travel hack would be research about everything but never plan, right? So have a really high level thing that what is there, what needs to be done, what are the hotels, everything, but never plan it, right? And being a solo, being a woman traveler, I would say that you should learn few self-defense techniques as well which can help you. You should always keep small things like Swiss knife, pepper spray, keep a torch, yeah. Make sure that whenever you are going, be a homestay, everything, right, you are keeping your family and family members informed, right? Yeah, and at least they know where your coordinates, right? And don't depend too much on technology, you know, we as a generation, we depend too much on technology, I think. Just unplug yourself from technology. Just keep a smartphone, there are chances with a minimum data plan and there are chances that in remote places you will not get access to that as well. Yeah. So just keep a backup of everything, you know, handy. Make a note of everything where you are going, it will help you in, you know, creating memories and absolutely as well. Absolutely. And and last but not least, I think keep your backpack very light. Yeah, right. Yeah. As a solo traveler, you need to travel light. Make sure your both hands are free. Be alert of your surroundings and be confident. And most importantly, don't get upset if things don't fall in place the way you plan actually. Because there are always be explorer, not a tourist, guys. And enjoy your trips.